मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं बहुत सारी। बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली के लिए विकास और उनकी दूरदृष्टि सोच और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों के कारण, पूरे 5 साल काम करने के कारण पूर्वी दिल्ली की जनता ने, पूरी दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या कुछ प्लान आपने किया अगले 100 डेज के लिए? मैंने कहा कि हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी की 4000 झुग्गियाँ हैं, उन झुग्गियों पर 4000 मकान बना करके देना हमारी प्राथमिकता है। हम जल्दी इस काम को प्रारंभ करेंगे। मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में IP यूनिवर्सिटी कड़कड़डोमा में प्रारंभ कर दी है, वो ईस्ट कैंपस का पार्ट है। हम जल्दी ही वहां पर लॉ कैंपस भी लेके आएंगे। पुणे का पहाड़, पूर्वी दिल्ली की जो खूबसूरती है उसके लिए एक बदनुमा दाग भी है, क्या उस पर कुछ प्लान है आप लोगों का? हालांकि MCD का काम है। ये बात समझ में आती है, आपने ही कहा कि ये MCD और दिल्ली सरकार का काम है। मैं इसमें बोलता हूँ दिल्ली सरकार का भी काम है, कारण बताता हूँ। दिल्ली सरकार का दायित्व है, लीगल दायित्व है, भारत के संविधान के अनुसार धारा 243 साफ कहती है कि दिल्ली की राज्य की सरकार को अपने अंतर्गत आने वाली नगर निगमों को आर्थिक तौर पर पुष्ट करना पड़ेगा। और ये कूड़े का पहाड़ जो कम नहीं हो रहा है, वो निगम को आर्थिक तौर पर पुष्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद भी कहा था, केजरीवाल साहब ने कॉरपोरेशन के बनते ही कहा था, जब आम आदमी पार्टी की कॉरपोरेशन बनी, कि हम 1 साल में पहाड़ को खत्म करेंगे। नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं अब 2 साल में खत्म करेंगे। 2 साल में भी तब करेंगे जब उसको कोई प्लान लेकर के आएंगे, एक्शन प्लान लेकर के आएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, पानी एक बड़ी समस्या है, दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से पूरा पानी दिल्ली में नहीं छोड़ा जा रहा, इसलिए दिल्ली में पानी का क्राइसिस पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कहा है कि आम आदमी पार्टी के पास ना नेता है, जो थोड़े बहुत हैं वो जेल में हैं, ना नियत है और ना इनके पास नीति है। पानी की समस्या दिल्ली में नहीं है, पानी जितना दिल्ली को चाहिए उतना पानी दिल्ली को मिलता है उनके पास। भ्रष्टाचार के कारण, नॉन प्लानिंग के कारण, नॉन परफॉर्मेंस के कारण और इनके नेताओं को कुछ काम ना करने की आदत है, इस कारण से दिल्ली की जनता प्यासी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। पूर्वी दिल्ली से BJP सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं। MCD में काम करने का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा और ये कह रहे हैं कि जो पूर्वी दिल्ली की समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस तरह से सुलझाया है, इसके लिए इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया और आने वाले दिनों में इस पर काम भी करेंगे। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।